Vivo Y19 स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Vivo के फ़ोन पे आप स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों क्या हो जाते हैं, किसी का जो नेटवर्क होते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन आपके जो डिवाइस है उसमें ही नेटवर्क काम नहीं करते। ठीक है, तो वो किस वजह से होते हैं और कैसे करके आपको सॉल्यूशन करना है, वो सब आज के इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको भी जानना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्लो इंटरनेट के लिए आपको दोस्तों सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ड्यूअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क को ओपन करके अपना सिम को सेलेक्ट करना है, जिस सिम पे नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको नेटवर्क मोड पर जाना होगा। नेटवर्क मोड पे जाने के बाद आप जो है यहाँ पर एक बार स्विच करके देखिए नेटवर्क को। ठीक है, 4G 3G या फिर 2G के बिटवीन आप स्विच करके देखिए। ठीक है, स्विच करने के साथ ही साथ आप कैरियर पर जाइए, यहाँ पे ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। यदि ऑटोमेटिक पहले से है तो इस बटन को एक बार ऑफ करके मैन्युअली सर्च करके देखिए नेटवर्क को। ठीक है, आपके आसपास जो भी नेटवर्क है वो आपको मिल जाएगा, तो उसमें कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, तो इससे काम बन जाएगा आपका। सबसे पहले आप ये करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अच्छी बात है। नहीं होता है तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार आपने फ़ोन को फ्लाइट मोड कर लेना है। उसके लिए दोस्तों आप जा सकते हैं आर्डर नेटवर्क एंड कनेक्शन पे, एयरप्लेन मोड को यहाँ पे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आप एक बार डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखिए, इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सारे साथ दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से आप नेटवर्क सेटिंग को रिस्टार्ट करके यूज़ कीजिए। उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे सिस्टम मैनेजमेंट पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पर जाना है, और उसके बाद आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इसमें क्लिक करके नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। तो जैसे ही आप रीसेट करोगे तो नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कर लेने के बाद दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों चलिए थोड़ा अंदर जाते हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं रीसेट सेटिंग का ऑप्शन, तो रीसेट सेटिंग पर जाके दोस्तों आपको रीसेट कर लेना है अपना नेटवर्क। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है, इशू है, पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से स्लो नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम उसको अपडेट करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि किसी का जो डिवाइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क अच्छे से आते हैं और आपकी डिवाइस पर ही नहीं आते, तो वो दोस्तों होते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से। ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए, इस तरह का इश्यूज़ सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से भी दोस्तों नेटवर्क का इश्यू बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो बस आपको ये सब करके देखना है, और कभी कभी सर्वर का इश्यू होते हैं, सर्वर का इश्यू हुआ है तो आपको वेट करना है, अपने आप फिक्स भी हो जाएगा, या तो फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी पूछ सकते हैं आपके एरिया पर नेटवर्क स्लो क्यों है, सर्वर का इशू है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपको वो मदद कर देगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आप इन सॉल्यूशन को फॉलो करके आपका जो स्लो नेटवर्क का इश्यू आ रहा है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।